हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने परिवर्ती अनुपात के नियम पढ़े थे। उसमें हम देख रहे थे कि एक उत्पादक जब अल्पकाल में उसको उसकी वस्तुओं की मांग बाजार में बढ़ती है तो पूर्ति बढ़ाने के लिए वह अपने केवल एक साधन को परिवर्तित कर सकता है और एक साधन को परिवर्तित करके वह उत्पादन बढ़ाता है। अब हम आज बात करते हैं, जब दीर्घकाल तक किसी वस्तु की मांग बढ़ती है बाजार में तो उत्पादक किस प्रकार से समायोजन करता है। ऐसी स्थिति में दीर्घकाल इतना लंबा समय होता है कि वहाँ पर उत्पादक अपने उत्पादन के सभी साधनों को बढ़ा सकता है। तो ऐसी स्थिति को हम पैमाने के प्रतिफल कहते हैं कि अब जब एक उत्पादक अपने उत्पादन के सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाता है तो उसके परिणाम स्वरूप भी उत्पादन या तो बढ़ता है या स्थिर रहता है या घटता है। तो इन जो जो तीन स्थितियां होती हैं उनको हम पैमाने के प्रतिफल कहते हैं और इन्हीं को हम दीर्घकालीन उत्पादन फलन भी कहते हैं, क्योंकि यह दीर्घकाल में कार्य करते हैं। और इसमें अब देखिए कि पैमाने के प्रतिफल का संबंध उत्पादन के सभी साधनों में समान अनुपात में वृद्धि करने पर, समान अनुपात में सभी साधनों को एक समान अनुपात में वृद्धि करने पर और उसके जो परिवर्तन हो रहे हैं किसके उत्पादन में, परिवर्तन फलस्वरूप कुल उत्पादन में होने वाले परिवर्तनों के से है। इसके भी तीन हमारे पास हैं, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल और पैमाने के घटते प्रतिफल। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल हम पढ़ते हैं आगे। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल में ये कहता है कि उत्पादन के सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाने पर उत्पादन में वृद्धि का अनुपात साधनों में वृद्धि के अनुपात से अधिक होता है, तो उसको हम पैमाने के बढ़ते प्रतिफल कहते हैं। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल कौन से हैं? जब हमने उत्पादक ने जो उत्पादन के साधन थे वह बढ़ाए एक अनुपात में, माना 10% के अनुपात से बढ़ाए, और जो उत्पादन हो रहा है वह 10 से अधिक अर्थात 15% 20% की दर से बढ़ रहा है, तो उसको हम बढ़ते प्रतिफल कहेंगे। यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक उत्पादक के पास अभी ओएफ जो स्थिति है उसकी, ओएफ उसके पास उत्पादन के साधन हैं, उन साधनों में उसने इतनी वृद्धि की है, एफ से F1 तक वृद्धि की है। पहली बात में उसने इतना वृद्धि करने पर 10% वृद्धि इसको कहा है, तो उत्पादन में वृद्धि उसकी 15% होगी, इतनी वृद्धि यहाँ उत्पादन में हुई है। अर्थात OS जो है, जो OS हमारा उत्पादन वक्र है, उसका जो वृद्धि है उत्पादन में वृद्धि वह साधनों के वृद्धि के प्रतिशत से अधिक है, तो इसको हम बढ़ते प्रतिफल कहते हैं। यह स्थिति बाजार में कब आती है? उत्पादन में जब श्रम विभाजन, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब जो उत्पादन के साधन हैं वह है, उनका श्रम विभाजन नहीं होता है। यदि उनके पास साधन कम होते हैं और उत्पादन अधिक करना होता है तो श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण, जितने अधिक साधन होंगे उससे काम का विभाजन होगा और हर व्यक्ति हर उत्पादन का साधन अपना काम विशिष्ट रूप से कर पाएगा। तो इसी कारण से यहाँ पर जो उत्पादन वृद्धि की बात होती है कि हमने साधन बढ़ाए 10% और उत्पादन हमारा हो गया 20%, 15% या 10 से ऊपर जो भी होगा उसको हम उत्पादन के कहेंगे बढ़ते प्रतिफल। तो अगला आपका इसमें है ये बढ़ते पर, जैसे हमने अल्पकालीन में भी देखा था, पहले उत्पादन बढ़ रहा था जब हम श्रम की मात्रा बढ़ा रहे थे, तो इसी प्रकार से यहाँ भी हम पूरा पैमाना चेंज कर रहे हैं। हमारे पास एक फैक्ट्री में जितने लोग जिस प्रकार से व्यवस्थित हैं, जहाँ पर अनुकूलतम उत्पादन उसका था एक फर्म का, उस फर्म ने उसी अनुपात में दूसरा प्लांट शुरू किया, वहाँ पर भी उत्पादन कार्य शुरू किया, तो ऐसी स्थिति में जाकर के उत्पादन पहले बढ़ता है, तो इसको हम पैमाने के बढ़ते प्रतिफल कहते हैं। उसके बाद की स्थिति आती है, अगर वह फिर भी उत्पादन के साधनों को बढ़ा रहा है उसी अनुपात में तो क्या होता है? तो उसको हम स्थिर प्रतिफल कहते हैं। जब उत्पादन के साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया उत्पादक ने, उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ रहा है। जैसे यह उदाहरण दिया है, उत्पादन के साधनों को 10% के अनुपात से बढ़ाया गया है और उत्पादन भी 10% के अनुपात से ही बढ़ रहा है, तो जिस अनुपात में हमने साधन बढ़ाए, एफ से F1 तक साधन बढ़ाए, उत्पादन भी आर से R1 तक हो गया है, तो इसको हम कहेंगे समता प्रतिफल या स्थिर प्रतिफल। यहां पर पैमाने के स्थिर प्रतिफल हैं, क्योंकि जिस अनुपात में उत्पादन के साधन बढ़ाए गए हैं उसी अनुपात में
उत्पादन की भी मात्रा बढ़ रही है, अर्थात उत्पादन में अनुपातिक वृद्धि बराबर उत्पादन के साधनों की मात्रा में अनुपातिक वृद्धि, दोनों बराबर हैं, तो इसको हम कहेंगे ये स्थिर प्रतिफल है, पैमाने का स्थिर प्रतिफल होगा। और आगे देखते हैं पैमाने के घटते प्रतिफल। अब इसमें क्या है कि एक उत्पादक जब अपने पैमाने को बढ़ाता रहता है, उत्पादन अधिक उत्पादन के लालसा से, उसने पहले देखा कि जब मैं उत्पादन के साधनों को, सभी साधनों को एक ही अनुपात में, माना 10% बढ़ाया मैंने, तो मेरा उत्पादन 15% 20% हो गया, तो उसको ये लगता है कि मैं अगर और साधनों को बढ़ाऊं तो उत्पादन और बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ता है शुरुआत में, पहले पहले उत्पादन बढ़ता है, उसका कारण भी यही है कि जो श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण, श्रम जो उनका काम करने का तरीका है, एक व्यक्ति एक ही प्रकार के काम करता है, हम कह सकते हैं एक साधन एक काम में एक्सपर्ट होता है, उसी काम को करता है, अन्य साधन दूसरे कार्य करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उत्पादन पहले तेजी से बढ़ता है, तो उसको हमने पैमाने के बढ़ते प्रतिफल कहा था। और उत्पादक द्वारा अगली बार फिर से उत्पादन के साधन बढ़ाए जाते हैं उसी अनुपात में, उससे अधिक आगे बढ़ाए जाते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में आने पर क्या होता है कि जो उत्पादन की मात्रा है वह उसी अनुपात में बढ़ती है जिस अनुपात में साधन बढ़ाए, अर्थात थोड़ा कम हो गया है लेकिन स्थिर हो गया है। अब जिस अनुपात में साधन बढ़ाए उसी अनुपात में हमारा उत्पादन की मात्रा बढ़ रही है, तो उसको हमने कहा स्थिर प्रतिफल। अब तीसरी अवस्था भी यहाँ आती है, उत्पादन के सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाने पर उत्पादन वृद्धि का अनुपात साधनों वृद्धि के अनुपात से कम हो जाता है। अब यहाँ पर जो उत्पादन का अनुपात है वह कम हो जा रहा है, साधन बढ़ा दिया उसने 15%, एफ से एफ वन तक उसने 15% साधन बढ़ाए उत्पादक ने, लेकिन उत्पादन की मात्रा में वृद्धि केवल 10% हुई, 15% से कम ही हुई है, तो इसको हम कहते हैं पैमाने के घटते प्रतिफल। उत्पादन की जहाँ पर अनुकूलतम संयोग था वहाँ तक उत्पादन बढ़ा, उत्पादन में साधनों में विशिष्टीकरण आया और साधनों में विशिष्टीकरण से उनकी उत्पादकता में वृद्धि हुई और अनुकूलतम उपयोग जो संसाधन थे उनका हुआ, लेकिन उसके बाद उत्पादक ने बढ़ाया तो एक सिचुएशन आ गया, स्थिति की स्थिति आ गई, वहाँ पर उत्पादन कार्य में जो साधनों को बढ़ाने की उसकी गति थी उसको रोकना चाहिए था लेकिन फिर भी नहीं रोकता है उत्पादक, तो ऐसी स्थिति में फिर घटते प्रतिफल शुरू होते हैं। यहाँ पर जिस अनुपात में उत्पादन के साधन बढ़ाए गए हैं उस अनुपात में उत्पादन की मात्रा नहीं बढ़ती है, उसको हम पैमाने के घटते प्रतिफल कहते हैं। पैमाने के घटते प्रतिफल का उदाहरण जैसे देखा है कि 15% उसने उत्पादन के साधनों को बढ़ाया लेकिन उत्पादन की मात्रा में 10% ही वृद्धि हुई, यहाँ पर अब घाटे में चल रहा है वो, उसका जो लॉस हो रहा है, इसलिए यहाँ पर दिखा है उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि कम होती है साधनों में आनुपातिक वृद्धि की अनुपात में। तो इसलिए अगर हम यहाँ भी बात करें, जैसे हमने पिछले जो परिवर्ती अनुपात के नियम थे या एक साधन के जो प्रतिफल थे उसमें देखा था हमने कि किस प्रकार से पहले उत्पादन बढ़ रहा है, फिर स्थिर हो रहा है, फिर घट रहा है, लास्ट में जो सीमांत उत्पादन माइनस भी हो रहा था, उसी प्रकार से यहाँ भी एक स्थिति ऐसी आती है कि उत्पादक अपने साधनों को बढ़ाता जाएगा तो जो संसाधन हैं उनका अनुकूलतम उपयोग होने के बाद वहाँ भी गिरावट आती है, एक लिमिट तक ही उत्पादन के साधनों को बढ़ाया जा सकता है, इस नियम से हमें यह जानकारी मिलती है। और साथ ही जब जो अब अनुकूलतम स्थिति कौन सी है, अर्थात एक उत्पादक को कहाँ तक अपने साधनों को बढ़ाना चाहिए, या हम कहें कि एक उत्पादक को किस अवस्था में, तीन अवस्थाएं थी, बढ़ते प्रतिफल, स्थिर प्रतिफल या घटते प्रतिफल की अवस्था में से किस अवस्था में उत्पादन कार्य करना चाहिए, तो यहाँ भी यही बात आती है कि जो क्षमता प्रतिफल है अर्थात जो पैमाने के स्थिर प्रतिफल है उसमें ही उत्पादक को उत्पादन कार्य करना चाहिए, उससे आगे अगर वह बढ़ाएगा उस साधनों को तो उसका कॉस्ट अधिक जाएगी, उत्पादन कम होगा, उसकी लागत बढ़ जाएगी ऐसी स्थिति में। इसलिए एक उत्पादक को हमेशा इस पैमाने के स्थिर प्रतिफल पर उत्पादन करना चाहिए। तो ये आपका पैमाने के प्रतिफल थे, हमने कल पढ़े थे परिवर्ती अनुपात का नियम या साधन के प्रतिफल, एक साधन का जो उत्पादन होता है उसको साधन के प्रतिफल कहते हैं, और यहाँ पर ये पैमाना पूरा सेटअप चेंज किया, पूरा सेटअप उसने बदला, एक सेटअप था एक और नया सेटअप, दूसरा नया सेटअप, इस प्रकार से उत्पादन के साधन को एक ही अनुपात में या दुगुना किया या तीन गुना किया, इस प्रकार से किया, तो इसको हम पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।